वेलकम टू ओलॉजी एंड टेक, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो आज के हमारे टेक बेसिक सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने आईफोन की स्क्रीन मिरर कर सकते हो एक बड़े से डिस्प्ले पे, वेदर वो टीवी हो, मैकबुक हो, आईपैड हो या फिर कोई दूसरा आईफोन ही हो। तो हमारी आईफोन की स्क्रीन तो बड़ी होती जा रही है, लेकिन अभी भी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि हम टीवी का मुकाबला कर सके। तो अगर आप कोई गेम्स खेलना चाह रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स देखना चाह रहे हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो देखना चाह रहे हो या फिर यूट्यूब पे जाके ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी का चैनल सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, ये सब आप कर सकते हो बड़े डिस्प्ले पे देख के। और बड़े डिस्प्ले पे अगर आप पबजी जैसी गेम खेलोगे तो मजा है किसी की वो छुप के आपको शूट कर ले, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे आपको सब कुछ बड़ा दिखेगा, छुपे हुए दुश्मन भी आप ढूंढ सकते हो इस बड़े स्क्रीन पे। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, एक है वायर्ड तरीका और दूसरा है वायरलेस। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो हम हमारे आईफोन को कौन से तरीके से टीवी पे डिस्प्ले कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने आईफोन को स्क्रीन कर सकते हो मैकबुक पे, विंडोज के कोई लैपटॉप पे, iPad पे या iPhone पे। तो चलो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम आईफोन को मिरर करेंगे हमारे टीवी पे। तो टीवी पे मिरर करने के लिए आपको चाहिए रहेगा एक स्क्रीन, एक HDMI केबल। अब इस HDMI केबल का एक साइड आप डालोगे अपने टीवी में और दूसरा साइड जो है उस पे आप एक लगाओगे कनेक्टर। अब ये कनेक्टर आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। ये कनेक्टर एक साइड आपको HDMI पोर्ट देता है और दूसरी साइड आपको एक लाइटिंग पोर्ट देता है। तो आपको करना ये है कि अपने HDMI केबल को इस कनेक्टर में लगाना है और ये कनेक्टर जाएगा आपके आईफोन में। द मोमेंट आप इसको कनेक्ट करोगे आईफोन में, एनीथिंग जो भी आप आईफोन पे करोगे वो सब डिस्प्ले होगा आपके टीवी स्क्रीन पे। और ये सबसे ज्यादा रिलायबल और बेस्ट तरीका है क्योंकि ये एक वायर्ड कनेक्शन है, तो वायर्ड कनेक्शन में कोई लैग नहीं दिखेगा और आपका डिस्प्ले का क्वालिटी ज्यादा बेटर भी होगा। अब अगर आपके पास Amazon फायर स्टिक है या गूगल का क्रोम कास्ट है और आपको अगर अपना आईफोन उसमें मिरर करना है तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो ये तरीके में सबसे पहले तो आपको ये करना रहेगा कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है। एक बार आपने तीन काम कर दिए हैं, फिर आना है आपको अपनी टीवी पे जिसमें आपका Amazon फायर स्टिक कनेक्टेड है। और अब इस फायर स्टिक में आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एयर स्क्रीन। ये आप सर्च करके भी आप लोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है इसलिए मेरे को सिर्फ ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे आपका एयर स्क्रीन ऐप आपका लोड हो जाएगा। अब ये जो ऐप की ब्यूटी ये है कि आपको ये ऐप अपने फोन में लोड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने फायर स्टिक में इंस्टॉल करने की जरूरत है। उसके बाद आपको आपके आईफोन में आना है और वहां पे आपको ऊपर से ड्रैग करके जब आओगे तो आपको एक स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर ये ऑप्शन ऑलरेडी है नहीं आपके फोन में तो आप सेटिंग्स में जाके इसको एनेबल कर सकते हो। अब मूवमेंट आप स्क्रीन मिररिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेंगे और वहां पे आपको अपनी फायर स्टिक भी दिखेगी। लेकिन याद रखना आपकी फायर स्टिक और आपका आईफोन सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड होने चाहिए। और नेक्स्ट आपको अपने फायर स्टिक को सिलेक्ट करना है और मिररिंग स्टार्ट कर देना है। एंड दैट्स इट, आप देख सकते हो अपना आईफोन आपका मिरर हो रहा होगा आपके टीवी स्क्रीन पे और आप कोई भी वीडियो इसमें फुल स्क्रीन में देख सकते हो या कोई गेम भी खेल सकते हो फुल स्क्रीन में इसमें। अब नेक्स्ट जो तरीका है आपके टीवी पे कनेक्ट करने के लिए वो है एक एप्पल टीवी। और ये सेकंड रिलायबल वे है क्योंकि एप्पल का ही प्रोडक्ट है इसलिए इसमें भी आपको इतना लैग नहीं दिखेगा। तो एक बार आपका एप्पल टीवी इस टीवी के साथ कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको सेम तरीके से स्क्रीन मिररिंग का जो ऑप्शन दिखता है ड्रैग डाउन मेन्यू में उस पर क्लिक करना है और आपके एप्पल टीवी को सिलेक्ट कर देना है। अब आपकी आईफोन की स्क्रीन एप्पल टीवी के थ्रू आपके टीवी के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो और पबजी खेलने का तो एक अनोखा ही मजा है इस तरीके से। अब आखिरी हमारा जो मेथड है टीवी पे स्क्रीन करने के लिए, उसके लिए आपको ना एप्पल टीवी की जरूरत है, ना क्रोमकास्ट की और ना फायर स्टिक, लेकिन आपका जो टीवी है वो एक स्मार्ट टीवी होना चाहिए। तो इस स्मार्ट टीवी में आप एप्स पे जब क्लिक करोगे तो वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो एक ऐप विच इज ए पावर मिरर। अब ये कैसे यूज करना है इस पर्टिकुलर ऐप को वो मैं आगे इस वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल चलते हमारे सेकंड ऑप्शन पे, दैट इज अगर आप अपनी स्क्रीन को मिरर करना चाह रहे हो मैकबुक पे, विंडोज के लैपटॉप पे, आईफोन पे या आईपैड पे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मैकबुक का। ये ऑप्शन सिर्फ मैकबुक पे चलेगा। उसमें आपको करना ये है कि आपके फोन के साथ जो चार्जिंग केबल मिला था उसका एक साइड आपको अपने मैकबुक पे डालना है। अब मेरा मैकबुक 2019 का, इसलिए इसमें टाइप सी है, इसलिए मेरे को टाइप सी का एक अलग से कनेक्टर लेना पड़ेगा और ये केबल मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे मैक में और जो लाइटनिंग पोर्ट है वो मुझे कनेक्ट करना रहेगा हमारे आईफोन में। अब मेरे मैकबुक में मुझे क्विक टाइम प्लेयर एक ऐप है जो प्री इंस्टॉल आता है उसको स्टार्ट करना है और
मुझे रिकॉर्डिंग शुरू कर देना इस पर्टिकुलर ऐप में। एक बार इसका वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है उसके बाद एक ड्रैग डाउन मेन्यू आएगा और वो मेरे को क्लिक करके इसका आईफोन को सिलेक्ट करना है जिसको मेरे को मिरर करना है। एक बार ये हो गया उसके बाद मेरा आईफोन डायरेक्टली मिरर होगा मेरे मैक पे, वो मैं पोर्ट्रेट मोड में भी यूज कर सकता हूँ और लैंडस्केप मोड में भी यूज कर सकता हूँ। और साथ में अगर मैं चाहूं मैं अपने आईफोन की स्क्रीन को अगर रिकॉर्ड भी करना चाहूं तो वो भी यहीं से कर सकता हूं। अब आते हमारे आखिरी मेथड पे जो काम करेगा आपके सारे डिवाइसेस में, दैट इज मैकबुक है, विंडोज है, आईफोन है, आईपैड है। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन चाहिए रहेगा अगर आपको कोई भी लैग नहीं चाहिए अपने स्क्रीन मिररिंग में। तो फिलहाल मैं आपको डिस्प्ले के लिए मैं आईपैड में दिखा रहा हूं लेकिन ये ऐप चलेगा हर एक प्लेटफॉर्म पे और वो ऐप का नाम है ए पावर मिरर ऐप। तो ये ऐप आपको आईफोन में भी लोड करना पड़ेगा और अपने आईपैड में भी लोड करना पड़ेगा, आपके ऐप स्टोर में आराम से आपको मिल जाएगा और फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद आपको ये ऐप दोनों ही डिवाइसेस में स्टार्ट करना रहेगा एंड आप आईफोन में जाके उसका मिररिंग ऑप्शन एक्टिवेट करोगे और अब आपको ऊपर से ड्रैग करके जो मेन्यू मिलती है उसमें आके आपको इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, स्क्रीन मिररिंग नहीं करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप जब लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा ए पावर मिरर, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है। एक बार आप स्टार्ट ब्रॉडकास्ट शुरू कर दोगे तो उसके बाद आपका स्क्रीन मिरर होना शुरू हो जाएगा अपने आईपैड पे। अब इसमें आपको कुछ एप्स लैंडस्केप में चलेंगे और कुछ एप्स आपके पोर्ट्रेट मोड में चलेंगे, उस हिसाब से आप अपने आईपैड का लेआउट चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका लास्ट मेथड आपके आईफोन स्क्रीन को मिरर करने का। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए उरोलॉजी एंड टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।